लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हां, आगामी चुनावों को देखते हुए दक्षिण दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बुधवार यानी 27 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजस्थान बीजेपी ने 4 तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में रमेश बिधूड़ी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ टोंक जिला समन्वय समिति की बैठक लेते हुए नजर आए। एक तरफ रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान की चारों तरफ आलोचना हो रही है, यहाँ तक कि बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी आगामी राजस्थान चुनाव को देखते हुए उन्हें ग्राउंड जीरो पर ले जा रही है। टोंक का प्रभारी बनाए जाने पर रमेश बिधूड़ी के साथ साथ बीजेपी भी विपक्ष के निशाने पर है। कई दलों ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज की है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं, रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई के बदले उन्हें अहम जिम्मेदारियां क्यों दी जा रही हैं? उन्हें दिल्ली से खास तौर पर टोंक क्यों ले जाया गया? बीजेपी ऐसा कर क्या संदेश देना चाहती है? चुनावी रण में रमेश बिधूड़ी पार्टी के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं? बात सबसे पहले टोंक की। राजस्थान में आजादी से पहले रियासतें तो बहुत थी, मगर टोंक राजस्थान में अकेली मुस्लिम रियासत थी। टोंक 1817 से 1974 तक अपनी रियासत की राजधानी रहा। 1817 में एक मुसलमान शख्स ने इसे स्थापित किया था। टोंक जिले के 4 विधानसभाओं में करीब 50% हिंदू और करीब 48% मुस्लिम आबादी रहती है। हिंदुओं में भी गुर्जर समुदाय की आबादी काफी बड़ी है। साल 2018 में टोंक की 4 विधानसभा सीटों में से 3 कांग्रेस ने जीती थी। इन्हीं में से एक टोंक विधानसभा सीट से जीतकर सचिन पायलट विधानसभा पहुंचे थे। वहीं बीजेपी के रमेश बिधूड़ी भी गुर्जर चेहरा है। ऐसे में बीजेपी दोनों के बीच मुकाबला चाहती है और गुर्जर वोटों को अपने पक्ष में करना चाहती है। अब देखना होगा कि राजस्थान के चुनाव में क्या कुछ बड़ा खास देखने को मिलता है।